आज सुबह सुबह राजधानी पटना में बीजेपी प्रदेश कार्यालय के पास ग्राम रक्षा दल पुलिस मित्र के लोगों ने प्रदर्शन किया। खासकर महिलाओं ने बीजेपी प्रदेश कार्यालय का घेराव किया, साथ ही आत्मदाह करने की भी चेतावनी दे डाली। काफी संख्या में महिलाएं अपने बच्चे के साथ वहां पर आई थीं। महिलाओं ने कहा कि बिहार सरकार हम लोगों से काम ले लेती है, जब मानदेय और नियमित करने का समय आता है तो सरकार पीछे हट जाती है। हम लोग दशहरा, ईद और कोरोना वायरस पर कई आवश्यक कार्यों में सहयोग करते हैं, परंतु सरकार हम लोगों के साथ सहयोग नहीं कर रही है। जब तक हमारी मांगें पूरी नहीं होंगी हम यहां से नहीं हटेंगे। भारी संख्या में महिला ग्राम रक्षा दल की महिलाएं मौजूद थीं, साथ ही पुलिस बल की भी तैनाती थी। बहुत देर के बाद पुलिस उन्हें वहां से हटा दी। वहीं पुलिस ने जबरन बलपूर्वक ग्राम रक्षा दल पुलिस मित्र को पुलिस ने हटाया, कई लोगों को गिरफ्तार भी किया गया। हम लोगों को अस्थायीकरण कीजिए। बरसों से काम कर रहे हैं, आज तक कोई पैसा नहीं देता है। आ गया है बाल बच्चा रोड पर आया है, बीवी बच्चा कहाँ भटकेगा इस महंगाई का दौर में। हम लोग 15 साल से सर खटते आ रहे हैं, रात दिन मेहनत की है, कहीं से कोई अस्थायीकरण नहीं हुआ है। से सरकार काम लेती है एकदम बराबर पुलिस प्रशासन के द्वारा, मतलब कि काम लेने के टाइम में तैयार रहती है, जब मानदेय देने की बारी आती है तो सरकार मानदेय नहीं देती है। कितने दिनों से नहीं मिला? हम लोग विगत कई वर्षों से काम कर रहे हैं लेकिन मानदेय नहीं दे रही है सरकार। लाठी टॉर्च भर दी लेकिन मानदेय नहीं दे रही है। जबकि हर पर्व में काम करते हैं, चाहे दुर्गा पूजा हो, ईद हो, कोरोना महामारी हो, शराबबंदी हो, हर चीज में काम लेती है सरकार लेकिन मानदेय नहीं देती है। आज यहाँ पर आत्मदाह कर लेंगे लेकिन वापस नहीं जाएंगे, चाहे तो अस्थायीकरण करे या हम लोग को जान ले ले, आत्मदाह करे। हम सुल्तानगंज से हैं, वर्षा कुमारी, जिला भागलपुर। सभी चलिए, 100 आदमी चलेंगे, 5 मिनट, 10 मिनट, 5 मिनट, 10 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 म